नमस्कार, समाचार नरसिंहपुर से। मध्य प्रदेश में इन दिनों ज्ञापन और हड़ताल का दौर जारी है। आए दिन सरकार के खिलाफ या तो कोई संगठन या कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए नजर आते हैं या फिर हड़ताल पर नजर आते हैं। वहीं आज नरसिंहपुर जिले की तहसील और ग्राम स्तर से मध्याह्न भोजन में लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कलेक्ट्रेट में ही कलेक्टर के सामने खुली बात रखी। उनकी वेतन वृद्धि की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो सभी सामूहिक रूप से खाना बनाना बंद कर देंगी। ये मध्याह्न भोजन की रसोईयां हैं सर, हमारी मानदेय 1000 रुपए है, जिससे कि बच्चों का भरण पोषण नहीं होता और सुबह 10:30 तक 3 तक हम लोगों को पूरा दिन वहाँ रहना पड़ता है स्कूल में। ये मांग है कि 1000 हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमको ये सोचते हैं सब समूह वाले कि हमको 5000 वेतन किया जाए और जो 2 महीना की छुट्टी रहती उसका हमको कुछ नहीं मिलता, तो उसमें भी हमको कुछ मिलना चाहिए। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या करेंगे? अभी हम मध्याह्न भोजन बंद रखेंगे। अभी आपका मध्याह्न भोजन? हाँ सर, अभी बंद करके आया है सब रसोई। आज से आपकी हड़ताल है? जी सर। तो पूरे जिले में हड़ताल है कि आप लोग सब यहाँ है सर? लोग पूरे जिले में सर मध्याह्न भोजन तभी चालू करेंगे जब हमारी मांग पूरी होगी। नीतिगत मामला होता है तो इसलिए इसमें कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता है कि हम तुरंत उनको कोई जवाब दे पाएं, परंतु उनको हमने बताया कि आपने जब काम शुरू किया था तो यही शर्त थी और वो सब काम करेंगे। उनका एक कहना था कि यदि बढ़ जाता है तो अच्छा है, इस तरीके की उनकी डिमांड है, हम लोग इसका परीक्षण करेंगे और इसको उचित स्तर पर भेजेंगे। नरसिंहपुर से जिला ब्यूरो नीलेश मेहरा की रिपोर्ट।